राम राम जी सभी को। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए सूचना दी थी कि पशुपालन विभाग की जो सारी योजनाएं हैं जिनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन डलती है सरल पोर्टल पे, वो एप्लीकेशन डलनी शुरू हो गई हैं सरल पोर्टल के ऊपर। तो उसके बारे में दोस्तों बाद में कई सारे साथियों के फ़ोन आए, मैसेज आए। कई सारे साथियों को तो इसमें प्रॉब्लम थी कि डॉक्यूमेंट क्या क्या उसमें चाहिएंगे, और बहुत सारे सीएससी वाले साथियों का भी मैंने देखा कि उनको इस बारे में भी कम जानकारी है कि सरल पोर्टल के ऊपर एप्लीकेशन कैसे डालनी है डेयरी लोन के रिगार्डिंग। तो आज दोस्तों इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की जानकारी दूंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे। उसके बाद मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर ले जाकर पूरा प्रोसेस आपको दिखाऊंगा, स्टेप वाइज आपको समझाऊंगा सरल पोर्टल के ऊपर आपने डेयरी लोन की एप्लीकेशन कैसे डालनी है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करें डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको दोस्तों सबसे पहले चाहिए आपकी फैमिली आईडी। फैमिली आईडी आपने सबसे पहले अपनी तैयार करनी है। फैमिली आईडी लेकर के उसके बाद दोस्तों आपको चाहिए पैन कार्ड, आपका बैंक की पासबुक, और एक जिस जगह पे आपने एनिमल्स को रखना है, पशुओं को जिस जगह पे आपने रखना है, उस जगह का एक आपको फोटो चाहिएगा दोस्तों। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने 20 या 50 दुधारू पशुओं की डेयरी यूनिट के लिए अगर लोन लेना है, तो उसके लिए दोस्तों आपको एक डेयरी ट्रेनिंग का डिप्लोमा मस्ट होगा, वो भी आपको ज़रूरी चाहिए होगा। लेकिन अगर आप 20 से कम पशुओं का अगर लोन ले रहे हैं, 4 पशुओं का लोन ले रहे हैं या 10 पशुओं का लोन ले रहे हैं, तो उसके लिए आपको डेयरी ट्रेनिंग के डिप्लोमे की ज़रूरत नहीं है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स दोस्तों मैंने आपको बताए, आपका फैमिली आईडी, पैन कार्ड और बैंक की पासबुक, आपका शेड की फ़ोटो, शेड जिस जगह पे आपने पशु बांधने हैं, और एक आपका डेयरी ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट। डेयरी ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट क्या होता है, इस पर अगर आप चाहेंगे तो मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो इस पर बना दूंगा, कमेंट करके बताइएगा। तो इसके बाद दोस्तों चलिए मैं आपको सीधा लेकर के चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, और आपको पूरा प्रोसेस में स्टेप वाइज आपको एक बार बता देता हूँ कैसे आपने डेयरी लोन के लिए एप्लीकेशन सरल पोर्टल पर डालनी है। तो दोस्तों ये हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, और हमने यहाँ पे ओपन कर रखी है वेबसाइट सरल हरियाणा पोर्टल की, जो कि sarlharyana.gov.in के नाम से वेबसाइट है, ये इसका लिंक है। ये वेबसाइट आपने खोल लेनी है, और अगर आपने दोस्तों इस पर अपनी आईडी बना रखी है, ईमेल आईडी से इस पर अपनी सिटीजन आईडी हम बना सकते हैं, अगर आपने बना रखी है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं रजिस्टर हेयर का, यहाँ से आप अपनी ईमेल आईडी के थ्रू इस पर अपनी सिटीजन आईडी बना सकते हैं। कैसे आईडी बना सकते हैं वो आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी, सर्च करके देख लेना। या फिर अगर आप अपनी खुद की आईडी नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप जो है किसी भी अपने नज़दीकी अटल सेवा केंद्र या फिर सीएससी सेंटर पे जाके वहाँ से जो है अपनी डेयरी लोन की एप्लीकेशन आप डलवा सकते हैं। अब मैंने इसमें अपनी आईडी बना रखी है अपनी ईमेल से, तो मैं अपनी ईमेल आईडी के थ्रू इसमें लॉगिन कर लेता हूँ, और यहाँ पे आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म में डाल के दिखाऊंगा कैसे हमने इसमें एप्लीकेशन डालनी है डेयरी लोन के लिए। तो ये मैंने आईडी डाल ली, यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल लेता हूँ। पासवर्ड हमने डाल लिया, उसके बाद ये कैप्चा कोड जो है ये यहाँ पे डाल लेते हैं। कैप्चा कोड डालने के बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, और ये हम दोस्तों लॉगिन होके आ गए हैं अपनी आईडी पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं संदीप कुमार के नाम से मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। उसके बाद यहाँ लेफ्ट साइड पे हम मेन्यू के नीचे देखेंगे, तो यहाँ बीच में हमें ये ऑप्शन दिखाई देगा अप्लाई फॉर सर्विसेज के नाम से। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आएगा व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज, जो भी सरल पोर्टल के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की जो भी सर्विसेज हैं सभी विभाग की, वो सारी की सारी यहाँ ओपन होके आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगी। अब इसमें आप यहाँ पे देखेंगे तो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की स्कीम इसमें आपको यहाँ नहीं दिखाई देंगी। तो उसके लिए आपने क्या करना है दोस्तों, यहाँ ऊपर आपको राइट साइड पे सर्च का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ सर्च में आपको क्लिक करके और यहाँ पे आपको सिंपली टाइप कर देना है एनिमल। खाली आप एनिमल टाइप करेंगे तो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की, ये देखिए दोस्तों जितनी भी स्कीम्स हैं ये यहाँ पे राइट साइड में इसने शो भी कर दिया, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, ये सारी स्कीम्स इसी डिपार्टमेंट की हैं।
और यहाँ पे ये नीचे शो कर रहा है शोइंग पेज वन ऑफ वन, यानी कि सिर्फ ये 7 स्कीम्स जो हैं फिलहाल सरल पोर्टल पर ऑनलाइन हैं पशुपालन विभाग हरियाणा की। अब इनके बारे में दोस्तों पहले हम एप्लीकेशन फॉर्म अभी डालेंगे, उसके पहले मैं थोड़ा सा इन स्कीम्स के बारे में आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे साथियों के मेरे पास कॉल आते हैं, कई सारे सीएससी सेंटर वाले साथियों को भी नहीं पता ये कौन कौन सी स्कीम्स हैं, तो थोड़ा सा मैं इनके बारे में पहले डिस्क्राइब कर देता हूं आपको। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों जो आपको ये दिखाई दे रही है एप्लीकेशन फॉर लाइव स्टॉक इंश्योरेंस क्लेम स्टेट सेटलमेंट अंडर पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना। ये एप्लीकेशन दोस्तों किस में काम आती है, आपको आपके अगर किसी पशु का आपने बीमा करवा रखा है और किसी कारण से उसकी अगर डेथ हो गई है, तो उसकी डेथ का दोस्तों आपको इंश्योरेंस का क्लेम लेने के लिए अगर प्रोसेस करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे पहले एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, तब आपको क्लेम मिलेगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे दोस्तों जो ये आपको दिख रही है ये एप्लीकेशन है दोस्तों अगर आपको किसी पशु का अपना नए सिरे से बीमा करवाना है तो उसके लिए एप्लीकेशन फॉर लाइव स्टॉक इंश्योरेंस अंडर पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना। पशु का बीमा करवाने के लिए अगर आपको एप्लीकेशन डालनी है तो आप यहां से डालेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे दोस्तों ये आपको जो दिखाई दे रही है स्कीम फॉर कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस कैटल एंड मुर्रा डेवलपमेंट, ये क्या है दोस्तों, ये जो मिल्क रिकॉर्डिंग करवाई जाती है, यानी कि आपके पास कोई देसी नस्ल की हरियाणा नस्ल या साहिवाल या बिलाही नस्ल की आपके पास कोई गाय है या मुर्रा नस्ल की आपके पास भैंस है और वो अच्छा दूध देती है, अच्छी मात्रा में दूध देती है और उसके आपने मिल्क रिकॉर्डिंग करवानी है, तो उसके लिए दोस्तों आप यहाँ पे एप्लीकेशन डाल सकते हैं। मिल्क रिकॉर्डिंग स्कीम के बारे में मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, मिल्क रिकॉर्डिंग कैसे करवाते हैं, उसमें कितने दूध पर कितनी इनाम राशि है और गाय के लिए कितनी दूध की लिमिट है, कितनी उस पर इनाम राशि है, भैंस के लिए कितनी दूध की लिमिट है, कितनी उस पर इनाम राशि है, वो सारी डिटेल मैंने आपको उस वीडियो में दे रखी है। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मिल्क रिकॉर्डिंग वाली वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके आप वो वीडियो देख लीजिए। और अगर आपके पास ऐसी कोई अच्छी दुधारू गाय या भैंस है और उसकी आप मिल्क रिकॉर्डिंग करवा के इनाम लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पे जो जिसके बारे में हम आज ये वीडियो बना रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है अपना डेयरी लोन की एप्लीकेशन हम कैसे डाल सकते हैं, तो चौथे नंबर पे दोस्तों हमारे को ये मिलती है स्कीम फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मिनी डेयरी ऑब्लिग हाईटेक डेयरी यूनिट्स। जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है डेयरी यूनिट्स के लिए जो एप्लीकेशन हमने डालनी है दोस्तों वो ये चौथे नंबर वाली एप्लीकेशन हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों पांचवें नंबर की जो एप्लीकेशन है ये स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बाय एस्टैब्लिशमेंट पिगरी शीप एंड गोट यूनिट्स, यानी कि आपको पिगरी फार्म करना है, शीप या गोट फार्म करना है, तो उसके लिए भी हरियाणा गवर्नमेंट आपको लोन प्रोवाइड कराती है दोस्तों, सब्सिडाइज्ड लोन होता है ये भी डेयरी लोन की तरह ही, तो इसके लिए आप यहाँ से एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और इसके बाद छठे नंबर पर दोस्तों जो है स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू शेड्यूल कास्ट, ये दोस्तों मैंने आपको पहले भी अलग वीडियो बनाकर बताई हुई है कि जो डेयरी लोन के लिए जो स्कीम्स हैं वो जनरल के लिए अलग है और एससी के लिए अलग है। जनरल के लिए उसमें 50% सब्सिडी रहती है और जनरल वाली जो स्कीम है उसमें आप 4 दुधारू पशु से लेके 50 दुधारू पशु तक का अपना डेयरी का लोन ले सकते हैं, जबकि आप जो एससी कैटेगरी की जो स्कीम है इसमें आप सिर्फ 2 या 3 दुधारू पशु तक का लोन ले सकते हैं और इसमें आपको जो है लोन पर 50% सब्सिडी मिलती है, जबकि जनरल कैटेगरी में आपको सिर्फ 25% सब्सिडी मिलती है। तो ये दोस्तों ध्यान रखना, इसमें हालांकि जो जनरल वाली स्कीम है इसमें आपको डेयरी यूनिट साफ साफ लिखा मिलेगा, लेकिन जो एससी वाली है उसमें यहाँ पे स्कीम के नाम में कहीं भी डेयरी यूनिट मेंशन नहीं है, लेकिन ये आप ध्यान रखना प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो है एससी कैटेगरी के जो हमारे पिछड़ी जाति के जो युवा साथी हैं उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने का ये एक जो है सरकार की स्कीम है, इसके तहत आपको डेयरी लोन दिया जाता है 50% सब्सिडी पे। उसके बाद दोस्तों सातवें नंबर पर आप यहाँ देखेंगे स्कीम फॉर द
उसके बाद यहाँ सातवें नंबर पर आप दोस्तों देखेंगे स्कीम फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बैकयार्ड पोल्ट्री यूनिट्स। इसमें दोस्तों जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है, यहाँ पे पोल्ट्री यूनिट्स की एस्टैब्लिशमेंट के लिए अगर आपको पोल्ट्री फार्म कोई छोटा मोटा लगाना है तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। अब इसमें दोस्तों बाकी तकरीबन जैसे बीमा योजना की जो है स्कीम, और मिल्क रिकॉर्डिंग की है, और मिनी डेयरी की है, और जो एससी वाली जो डेयरी की डेयरी लोन की स्कीम है, इन सभी योजनाओं पे मैंने दोस्तों अलग अलग वीडियो बना रखी है। लेकिन जो पिगरी फार्म, शीप फार्म और जो ये बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म, इन पर अभी वीडियो बनाई नहीं है, वो बहुत जल्द वीडियो बना करके आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो आज दोस्तों बात करते हैं आपने डेयरी लोन के लिए एप्लीकेशन कैसे डालनी है। हालांकि ये जो भी सारी स्कीम्स यहाँ पर आपको मिलेंगी, एप्लीकेशन डालने का प्रोसेस सभी का सेम ही होगा। तो जो मैं आपको डेयरी लोन के एप्लीकेशन का जो प्रोसेस बताऊंगा, उसी हिसाब से उन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए आप बाकी स्कीम्स के लिए भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। बस आपको डॉक्यूमेंट्स ध्यान रखना होगा, किस स्कीम में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिएगा। इसके मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता चुका हूँ क्या क्या चाहिएंगे, और बाकी स्कीम्स में जो जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो अलग अलग वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ। वो सारी की सारी वीडियो चैनल पर पड़ी हुई हैं, वो आप जाकर के देख सकते हैं। डिपार्टमेंटल स्कीम के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पे, वहां पे आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी दोस्तों। तो आइए चलते हैं और तो आइए दोस्तों चलते हैं और एप्लीकेशन देख लेते हैं कैसे यहाँ पे हमने डालनी है। तो जैसे ही हम चौथे नंबर वाली स्कीम पे दोस्तों क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने खुल के आएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल्स थ्रो फैमिली आईडी, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपसे फैमिली आईडी पूछेगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, प्लीज सेलेक्ट चॉइस। यहाँ पे आपको ये दो ऑप्शन मिल रहे हैं, आई हैव फैमिली आईडी या फिर आई फॉरगोट माई फैमिली आई डी और आई डोंट हैव फैमिली आई डी। या तो आपके पास फैमिली आई डी है तो आपने ये फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, या फिर अगर आपको फैमिली आई डी नहीं मिली है, या फिर आपके पास फैमिली आई डी है और आप अपना फैमिली आई डी का नंबर भूल गए हैं, तो आप यहाँ सेकेंड ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मैसेज मिलेगा, कृपया पहले ये मेरा परिवार डॉट हरियाणा डॉट जी ओ वी डॉट इन वेबसाइट पर पारिवारिक आई डी बनाएं, और उसके बाद जो है यहाँ पे आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। या फिर अगर आपने आईडी बना रखी है और आप अपना फैमिली आईडी नंबर भूल गए हैं तो भी आप इस वेबसाइट पर जाकर, जो ये मेरा परिवार डॉट हरियाणा डॉट जी ओ वी डॉट इन की जो वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आप अपना आधार कार्ड नंबर वहाँ डाल के और अपने आधार कार्ड नंबर और मोबाइल का ओटीपी वेरीफाई करके और वहाँ से अपनी फैमिली आईडी पता कर सकते हैं दोस्तों। अब मेरे पास हमारी फैमिली आईडी है तो मैंने आई हैव फैमिली आईडी पर क्लिक किया, यहाँ पर मेरे को ऑप्शन मिल गया एंटर योर फैमिली आईडी। अब यहाँ पे हम जैसे ही अपनी फैमिली आईडी यहाँ पे डालेंगे तो फैमिली आईडी डालने के बाद हमने यहाँ पे क्लिक हेयर टू फैच फैमिली डिटेल्स पर क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे फैमिली आईडी में जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी की जो है डिटेल्स यहाँ पर ये उठा लेगा अपने आप से, और यहाँ पे जो ये लिस्ट है सिलेक्ट मेंबर्स की, इसमें हमारी फैमिली आईडी में जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी के नाम यहाँ पे शो कर देगा। उसके बाद फैमिली के जिस भी मेंबर के नाम पे आपने दोस्तों डेयरी लोन की एप्लीकेशन लगानी है, जिस भी मेंबर के नाम से आपने डेयरी का लोन लेना है, उस मेंबर का नाम यहाँ पे आप सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद मेंबर के नाम को, और यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में ऑप्शन मिलेगा सेंड ओटीपी का, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी मोबाइल नंबर दोस्तों आपकी फैमिली आईडी में आपने रजिस्टर करा रखा है उस मोबाइल नंबर पर आपका ओटीपी जाएगा। मेरे मोबाइल पर मुझे ओटीपी मिल गया है, वो ओटीपी जैसे ही हम यहाँ पे डाल लेंगे और उसके बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे क्लिक हेयर टू वेरीफाई ओटीपी। ये ओटीपी वेरीफाई करते ही दोस्तों ये देखिए, इसने जो मेंबर हमने सेलेक्ट किया था फैमिली का उसकी सारी की सारी डिटेल्स इसने अपने आप उठा ली, उसका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह, वो सब इसने अपने आप उठा लिया। अब यहाँ पे ये आप ध्यान से अगर देखेंगे जो चीजें ऑटोफिल इसमें भरी हुई हैं पहले से, वो थोड़े डार्क कलर में मिलेंगे टैब्स, और जो चीजें हमें इसमें भरनी हैं
वो व्हाइट कलर में टैब मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो है यूनिट सेलेक्ट करनी है, भाई हमें कितनी यूनिट के लिए डेयरी लोन चाहिए। हमें 4 दुधारू पशुओं के लिए चाहिए, 10 दुधारू पशुओं के लिए, या फिर 20 या 50 दुधारू पशुओं के लिए। तो जैसे हम अगर 4 के लिए यहाँ पे लोन लेना चाहते हैं 4 दुधारू पशुओं के लिए, तो 4 मिल्च एनिमल यूनिट्स को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कई बार अगर आपने फैमिली आईडी में दोस्तों फोटो अगर अपलोड करा रखे हैं तो फोटो यहां पर ऑटोमेटिकली उस मेंबर का उठा लेगा, लेकिन अगर फोटो आपने अपलोड नहीं करा रखे हैं तो यहां पर फोटो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। चूज फाइल पे यहां पे क्लिक करके और फोटो यहां अपलोड कर देंगे। फोटो अपलोड होने के बाद और इन चीज़ों का ध्यान रखना, अब जैसे ये देखो कई जो ये फील्ड हैं, जैसे मोबाइल नंबर है इसके सामने स्टार लगा हुआ है, ईमेल है इसके सामने स्टार नहीं लगा हुआ है। उसके बाद आगे आप ये देखेंगे जहां जहां आपको ये स्टार लगा दिखेगा इसका मतलब वो फील्ड जो है वो भरना कंपलसरी है, उसको आप खाली नहीं छोड़ सकते। लेकिन जहां पे स्टार नहीं लगा हुआ है उसको आप खाली छोड़ सकते हैं। तो अब ये तीनों ऑप्शन आपको सिलेक्ट करने हैं। सिलेक्ट योर कंसर्न्ड डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस, यानी कि डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस दोस्तों हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस होते हैं। तो डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस सेलेक्ट करने का मतलब यहाँ पे आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। सिंपली मैं पानीपत यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको सेलेक्ट योर कंसर्न सब डिवीजन ऑफिस, सब डिवीजन ऑफिस यानी कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी आपकी सब डिवीजन, जो भी आपकी तहसील पड़ती है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। उसके बाद दोस्तों तीसरा ऑप्शन आता है सेलेक्ट योर कंसर्न गवर्नमेंट वेटरनरी हॉस्पिटल। गवर्नमेंट वेटरनरी हॉस्पिटल दोस्तों अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे देता हूं। जो भी पशुपालन विभाग की हमारी संस्थाएं होती हैं सब डिवीजन ऑफिस के बाद जो फील्ड में जो हमारी संस्थाएं होती हैं वो दो प्रकार की संस्थाएं होती हैं, एक गवर्नमेंट वेटरनरी हॉस्पिटल राजकीय पशु चिकित्सालय और दूसरी गवर्नमेंट वेटरनरी डिस्पेंसरी राजकीय पशु औषधालय। तो अगर आपके गांव में दोस्तों पशु हॉस्पिटल है तो वहां पर जाकर आप देखेंगे तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा मिलेगा। अगर वहां पर राजकीय पशु औषधालय लिखा है तो अपनी तहसील सेलेक्ट करने के बाद जब आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो यहां पे आपको आपके गांव का नाम मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके गांव में पशु अस्पताल नहीं है और वहां पे पशु औषधालय है तो वो आपको इस लिस्ट में आपके गांव का नाम फिर नहीं मिलेगा। वो आपको पता करना पड़ेगा कि आपका औषधालय किस अस्पताल के अंडर पड़ता है, किस हॉस्पिटल के ज्यूरिसडिक्शन में आपकी डिस्पेंसरी आती है। वो अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आप अपने जो औषधालय में जो आपके डॉक्टर हैं उनसे आप पता कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम अपना जीवीएच सेलेक्ट कर लेते हैं, जीवीएच यानी कि गवर्नमेंट वेटरनरी हॉस्पिटल। ये दोस्तों सेलेक्ट करने के बाद अब आगे आपको जो है अपनी बैंक डिटेल अपनी यहाँ पे डालनी है। यहाँ पे हम अपनी बैंक डिटेल डाल लेते हैं। पहले बैंक नेम डाल लेंगे, सॉरी ये कैपिटल अक्षर में आ गया। बैंक नेम डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है, उसके बाद आईएफएससी कोड डालना है, आईएफएससी कोड डालने के बाद दोस्तों आगे आपको मिलेगा एप्लीकेंट्स अदर डिटेल। ये लास्ट पोर्शन है इस एप्लीकेशन फॉर्म का। यहाँ पे जो सबसे पहला पार्ट आपको मिलेगा वेदर स्पेस एंड शेड ऑफ एनिमल फॉर कीपिंग मिल्च एनिमल्स, यानी कि जो आप डेयरी लोन ले रहे हैं जिन पशुओं के लिए, उन पशुओं को रखने के लिए आपके पास जगह है, उन पशुओं के लिए आपके पास शेड है, तो वो आपको दोस्तों बताना पड़ेगा है या नहीं है। तो इसमें एकमात्र आपके पास ऑप्शन हाँ करना ही रहेगा, इसमें आप ना नहीं कर सकते। ये देखिए नो के लिए आप यहाँ सेलेक्ट भी नहीं कर सकते, ये आपको यस ही करना पड़ेगा। और आपके पास पशु बांधने के लिए जगह होगी तभी आपको लोन मिलेगा, अगर आपके पास जगह नहीं होगी तो आपको लोन नहीं मिलेगा। जैसा मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूँ, आपको जो है सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ में एक आपको फोटो भी अपलोड करना है, जो आपके पास पशु बांधने की जगह है उस जगह का आपको एक फोटो इसमें अपलोड करना है दोस्तों। उसके बाद डिटेल ऑफ डेयरी ट्रेनिंग इफ यस एनक्लोज फोटोकॉपी, यानी कि अगर आपने कोई डेयरी ट्रेनिंग कर रखी है, और ये मैं आपको बता दूं दोस्तों अगर आप
20 या 50 दुधारू पशुओं के लिए अगर आप लोन लेते हैं तो आपको डेयरी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, वो आपके पास होना ही होना चाहिए। 11 दिन की वो ट्रेनिंग होती है आपके सरकारी अस्पताल से, और अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आप यस सेलेक्ट कर देंगे, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पे आप नो सेलेक्ट कर देंगे। तो अभी हमने 4 पशुओं के लिए अप्लाई किया है और ये जो सर्टिफिकेट की हमारे को ज़रूरत नहीं है तो हम इसको नो कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों अमाउंट ऑफ लोन रिक्वायर्ड, यानी कि लोन के लिए आपको कितना पैसा रिक्वायर है, कितने पैसे की आपको आवश्यकता है, तो यहाँ पे हम लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट डाल देते हैं। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप डाल दीजिएगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना हो कि आप डेयरी लोन ले रहे हैं 4 पशुओं के लिए और आप लोन रिक्वायरमेंट डाल रहे हैं वहाँ पे 10 लाख, तो वो थोड़ा सा आपने हिसाब लगा लेना है कि एक भैंस की कीमत मैक्सिमम कितनी आप ले सकते हैं और उसी हिसाब से आपको कितने पशुओं के लिए कितना। आप जैसे मान लिया यहाँ पे मैं 80,000 रुपये की एवरेज वैल्यू ले लेता हूँ भैंस के लिए, तो यहाँ पे 4 भैंसों के लिए मेरे को 3,20,000 रुपये की रिक्वायरमेंट रहेगी। और इस अमाउंट में से दोस्तों जो अमाउंट मैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट डालूंगा इसमें से मेरे को सिर्फ 80% अमाउंट ही मिलेगा, तो उस चीज़ का भी यहाँ पे ध्यान रखना। अब आगे ये इसने पूछा है, इज द एप्लीकेंट ए मेंबर ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर आप किसी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं तो यहाँ पे यस कर देंगे, अगर आप मेंबर नहीं हैं तो यहाँ पे आप नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा है whether the applicant agrees to abide the instructions issued by animal husbandry department from time to time, vaccination, breeding, nutrition, hygienic, etc. यानी कि दोस्तों अगर आप डेयरी लोन ले रहे हैं तो ये आपको एग्री करना पड़ेगा कि जो पशुपालन विभाग की तरफ से जो भी इंस्ट्रक्शंस टाइम टू टाइम जारी होती हैं वैक्सीनेशन के लिए, ब्रीडिंग के लिए, न्यूट्रिशन वगैरह के लिए और साफ सफाई के लिए, वो सभी दोस्तों गाइडलाइंस आपने फॉलो करनी पड़ेंगी, वो सभी इंस्ट्रक्शंस आपने फॉलो करनी पड़ेंगी। टाइम टू टाइम आपने वैक्सीनेशन भी करानी पड़ेगी, ब्रीडिंग के लिए आपने जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का सहारा लेना पड़ेगा और वो अच्छी बात भी है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से आप अच्छी नस्ल प्राप्त कर सकते हैं और अपनी जो आपके पास पशुधन है उसकी नस्ल में काफ़ी सुधार भी कर सकते हैं। तो ये करने के बाद दोस्तों नीचे आप आएंगे, यहाँ पे आपको आई एग्री का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको सिंपली टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पे जो ये कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है इसको आप यहाँ पे डाल देंगे। डालने के बाद जब आप नीचे स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे ड्राफ्ट, सबमिट, क्लोज, रीसेट। अगर आप इस एप्लीकेशन को अभी सबमिट करना चाहते हैं तो सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। अगर बाई चांस आपके पास किसी डॉक्यूमेंट की कमी है और आप बाद में वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो आप ड्राफ्ट करके इसको सेव कर सकते हैं, बाद में फिर आप इसको जो है यहाँ पे आपको ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा व्यू स्टेटस एप्लीकेशन में, यहाँ पे आपको व्यू इनकम्प्लीट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा। इसमें इनकम्प्लीट एप्लीकेशन में आप जाके जो भी आपने एप्लीकेशन ड्राफ्ट करी है उसको आप दोबारा से ओपन करके और डिटेल आपको सारी भरी भराई वहाँ पे मिल जाएंगी, वहाँ सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने रह जाएंगे। तो अब डॉक्यूमेंट हमने सारे स्कैन करके अपने रख रखे हैं तो यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों सबमिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म हमारा फिलअप हो गया है कम्प्लीटली। अब यहाँ पे नीचे हमारे को ऑप्शन मिलेगा अटैच अनेक्सचर का, ये ग्रीन कलर का जो टैब हमारे को यहाँ पे दिखाई देगा बटन, इस पे हम क्लिक करके यहाँ पे हमने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। उसके बाद दोस्तों ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 ऑप्शन आपको मिले हैं, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड। तो ये आपको वो फोटो जो है अपलोड करना है यहाँ पे शेड का, या फिर जो आपके पास भैंस बांधने के लिए, सु बांधने के लिए जो आपके पास जगह है उसका यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना है और यहाँ पे आपको पैन कार्ड अपलोड करना है। ये सारी चीजें पहले आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से चूज फाइल पे आप जाके और जो भी आपके पीसी में आपके डॉक्यूमेंट पड़े हैं वहां से आप अपने डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड कर देंगे। तो डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे सारे अपलोड करने के बाद यहाँ पे सेव अनेक्सचर का आपको ऑप्शन मिलेगा, सेव अनेक्सचर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे
फाइल आपकी जो है कंप्लीट आपकी अपलोड हो गई है। अनेक्सचर लिस्ट आपको यहाँ पे दिखा देगा, पैन कार्ड आपका अपलोड हो गया है, बैंक पासबुक आपकी अपलोड हो गई है। इसको अगर आप देखना चाहें ये ठीक से अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप वहाँ पे क्लिक करके इसको देख भी सकते हैं। आपको जो है डॉक्यूमेंट्स जो आपने स्कैन करके अपलोड किए हैं वो ठीक से अपलोड हो गया है या नहीं, तो ये आप चेक करके उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप दोस्तों जैसे ही सबमिट क्लिक करेंगे आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और ये आगे डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस में आपके चली जाएगी। तो अभी हमें ये एप्लीकेशन सबमिट नहीं करनी है, इसलिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को डेली लोन नहीं चाहिए था, मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए ये प्रोसेस सब कर रहा था। ये देखिए अब वो एप्लीकेशन डालने के बाद ये मेरी इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस में आ गई है। अब यहाँ से मैं इसको, और इस टाइप से आपको जो है एप्लीकेशन का ये रेफरेंस आईडी दोस्तों मिल जाएगा। जब आप फाइनल सबमिट करेंगे तो वहाँ से एक आपको प्रिंटआउट भी मिलेगा, उस पर भी ये एप्लीकेशन नंबर आपका लिखा रहेगा। बाद में जब आपको पता करना है, हालांकि आपके पास टाइम टू टाइम मैसेज भी आते रहेंगे कि आपकी जो है एप्लीकेशन कहाँ पहुँची है, कितने परसेंट वो हो गई है, वो अभी डीडी ऑफिस में है, एसडी ऑफिस में है या बैंक में है, वो सारी जानकारी आपको एसएमएस के थ्रू आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। लेकिन अगर आप एप्लीकेशन को ट्रैक करना चाहते हैं तो इस नंबर के थ्रू आप जो है इसी वेबसाइट पर आकर, सरल पोर्टल पर आकर आप अपनी एप्लीकेशन ट्रैक भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन में यहाँ ऑप्शन मिलेगा ट्रैक योर एप्लीकेशन, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जिस भी डेट में आपने एप्लीकेशन डाली है वो डेट रेंज यहाँ पे सिलेक्ट करके, और यहाँ पे रेफरेंस नंबर में आप अपनी एप्लीकेशन डाल के, एप्लीकेशन का सॉरी नंबर डाल के, और गेट डाटा पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको जो है अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस यहाँ पे शो हो जाएगा, कहाँ पे किस ऑफिस में आपकी फाइल अभी रखी हुई है, किस प्रोसेस में आपकी फाइल चल रही है। तो यहाँ से दोस्तों मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को अभी एप्लीकेशन डालनी नहीं थी। और ये हमने दोस्तों कंप्लीट कर लिया प्रोसेस। उम्मीद है आपको प्रोसेस समझ आ गया होगा किस तरह से आपने एप्लीकेशन डालनी है। तो दोस्तों इस तरह से आपने सरल पोर्टल के ऊपर डेली लोन के लिए या फिर किसी भी अगर विभागीय स्कीम के लिए आप एप्लीकेशन सरल पोर्टल पे डालना चाहते हैं तो सभी का यही सेम प्रोसीजर रहेगा जो भी मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया। मेरे ख्याल से अब मैं समझता हूँ कि आपको अब सरल पोर्टल पर किसी भी विभागीय स्कीम के लिए अप्लाई करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन आपके रह गए हों तो वो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा चाहूँगा। कमेंट जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कमेंट करिएगा, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार की पशुपालन संबंधी सभी प्रकार की टेक्निकल भी और पशुपालन से संबंधित बीमारियों के बारे में भी आपको इस चैनल पर वीडियो लगातार हम देते रहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अब हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।